किन मुद्दों को लेकर बातचीत बेनतीजा रही है, क्योंकि किसान अब कह रहे हैं कि मसला हमारा हल नहीं हुआ है और 10 बजे का वक्त है जब किसान दिल्ली कूच करना शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले क्या तैयारियां पुलिस की टीम की ओर से की गई हैं? इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं टीकरी बॉर्डर पर शुभांग और जयपुर में मौजूद हैं सहयोगी सोमू आनंद। शुभांग कर को कर लेते हैं पहले। शुभांग, क्या तैयारियां की गई हैं, क्योंकि सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें जब मुकेश ने दिखाई थी तो वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है मल्टी लेयर की और तमाम व्यवस्था की गई है, यहां पर क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, सिंगू बॉर्डर की तरह ही व्यवस्था फिलहाल टिकरी बॉर्डर पर भी की गई है। मैं आपको एक एक करके अगर यहाँ पर जो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं उनकी तस्वीरें फिलहाल आपको दिखाता हूँ। देखिए, आपको रोड के एक तरफ यहाँ पर अर्धसैनिक बल दिखाई दे रहे होंगे, भारी संख्या में अर्धसैनिक बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। इसके अलावा कुछ अर्धसैनिक बल फिलहाल बसेज में भी डिप्लॉयड है। वहीं अगर मैं आपको दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ, आप देख सकते हैं ट्रैफिक का नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सड़क है उसे नैरो डाउन कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये जो रास्ता है ये दिल्ली की तरफ से हरियाणा के बहादुरगढ़ जाता है, जहाँ पर आपको इस वक्त ट्रैफिक की तस्वीरें दिखाई दे रही है। यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए फिलहाल एक मुश्किल की घड़ी ये है कि इन्हें रोज़ यहाँ पर बॉर्डर को क्रॉस करना होता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना इन्हीं लोगों को करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ रोड के ऊपर की तरफ आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पब्लिक अनाउंसमेंट स्पीकर्स लगे हुए हैं, क्योंकि अगर किसान यहाँ टिकरी बॉर्डर तक पहुँचते हैं तो पुलिस उनसे इन्हीं स्पीकर के माध्यम से बात करने की कोशिश करेगी। उसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमराज यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसका कंट्रोल रूम पास में ही बनाया गया है, जहाँ से दिल्ली पुलिस पूरी इस पूरी जगह पर नज़र बनाए हुए हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि ये जो मैं रास्ता आपको दिखा रहा हूँ ये वही रास्ता है जो हरियाणा के बहादुरगढ़ से होकर के दिल्ली एंटर करता है, दिल्ली के मुंडका तक ये कनेक्ट करता है। इस वक्त यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े कंटेनर्स यहाँ पर एक कंटेनर से लेयर्स बनाई गई है, कंटीले तारों वाले बैरिकेड्स लगाए गए हैं और इन्हीं कंटेनर्स के अंदर रेत भरी गई है, ताकि जो कंटेनर्स है उनका वजन और ज़्यादा बढ़ सके और वो जो जिस तरीके से देखा गया था कि 2020 में जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था, किस तरीके से जो किसान थे वो अपने बुलडोजर्स के माध्यम से सभी बॉर्डर्स के बैरिकेड्स को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुए थे, पत्थरों को समुद्र में फेंकते हुए वो दाखिल हुए थे, इस बार पुलिस ने वो गलती नहीं दोहराए, इसलिए आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। वहीं RAF की टीम आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस की भारी संख्या में टीम यहाँ पर मौजूद है, अर्धसैनिक बल यहाँ पर मौजूद है और जिन ट्रक्स की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये वही ट्रक्स हैं जिनसे हमारी कल बात भी हुई थी, ट्रक चालकों से हमने बात की थी। उनका ये कहना था कि परसों रात को उनको 12:30 बजे यहाँ पर रोका गया, रोकने का कारण पुलिस ने ये बताया कि जब किसान यहाँ पर आएंगे तो इनके ट्रक के माध्यम से सड़क को ब्लॉक किया जाएगा। तो उनका ये कहना है कि आखिर उनकी क्या गलती है, उन्हें क्यों नहीं अपना सामान समय पर पहुँचाने दिया जा रहा है, क्योंकि आखिरकार नुकसान तो उन्हें ही झेलना पड़ेगा। तो ये वो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो परेशान हैं। दूसरी तरफ जो तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर ट्रैफिक की दिखा रहा हूँ ये वो लोग हैं जो स्थानीय लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनका रोज़ का आवाजाही रहती है इस बॉर्डर पर, उन्हें यहाँ से आर पार जाना पड़ता है, उनको फिलहाल सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि किसानों ने ये आह्वान किया है कि वो आज 10 बजे अपने बॉर्डर से शुरू करेंगे और दिल्ली एक एक करके दिल्ली के बॉर्डर में घुसने की कोशिश करेंगे, हालांकि जिस तरीके के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ऐसा लगता नहीं है कि किसान बॉर्डर क्रॉस कर पाएंगे, लेकिन ये बात समय की रहेगी, क्योंकि देखिए किसानों की जो मांगे हैं वो फिलहाल अभी तक पूरी नहीं हुई है। साल 2020 से उन्होंने MSP पर कानून बनाने की मांग की थी जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है, एक के बाद एक कमिटीज़ बनाने की बात सरकार करती है। इस वजह से जो कल बैठक बिठाई गई थी उस पर भी किस तरीके से कुछ फैसला नहीं आ पाया है, किसान अभी तक संतुष्ट नहीं है सरकार की बात से। फिलहाल किसानों का ये कहना है कि वो बात करने के लिए तैयार है, लेकिन 10 बजे के बाद वो दिल्ली की तरफ कूच ज़रूर करेंगे। जी, तो 10 बजे के बाद किसान दिल्ली कूच जरूर करेंगे, ये किसानों की ओर से कहा गया और किसान तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है और इसी के चलते आंदोलन की राह हमें पकड़नी पड़ी, क्योंकि जो मांगे हमारी ओर से यहाँ पर की जा रही रखी जा रही हैं सरकार वो नहीं मान रही है। ऐसे में क्या आंदोलन के जरिए ही हल निकलेगा और अब क्या करेगी सरकार, ये एक बड़ा सवाल हो चला है। सोमू कर को करना चाहेंगे, जयपुर में आप मौजूद हैं। सोमू, यहाँ पर किस तरह की तैयारियां बताएं दर्शकों को, क्योंकि राजस्थान भी है जहां पर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। सोमू, आपका माइक शायद म्यूट है।
जो पूरा इलाका है श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ का, उस इलाके में पुलिस ने अपने तमाम इंतजाम किए हैं और ये कोशिश की है कि किसानों को वो बॉर्डर नहीं पार करने दिया जाए। आज इसको लेकर के जो राजस्थान पुलिस है उसके वरीय अधिकारियों की बैठक भी होने वाली है, जिसमें और भी आगे की चीजें तय होंगी, क्योंकि राजस्थान का श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ जो जिला है वो पंजाब से सटा हुआ जिला है और उस इलाके के आसपास से किसानों के दिल्ली प्रवेश करने की सूचना है, तो वहां पर कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। और आज जयपुर में जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं उनकी इस मामले को लेकर बैठक भी होगी और इसमें ये चीज तय की जाएगी कि आगे पुलिस और क्या क्या एहतियात बरत सकती है। निश्चित तौर पर, और तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और एक सवाल जिस बात का जिक्र मेरे सहयोगी और मैं खुद लगातार कर रही हूं कि आखिर कैसे इस मामले का हल निकलेगा, क्योंकि 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है, यानी अब से करीब 45 मिनट बाद किसान दिल्ली का कूच करना शुरू कर देंगे। ऐसे में तैयारी मुकम्मल पुलिस की टीम की ओर से कर ली गई है। बहुत शुक्रिया आपका शुभांग और सोमू तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए, और आगे की अपडेट भी हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।